दही में बेसन फेंट लिया है, 2 कप दही है, 1 कप बेसन है। इस तरह ये तैयार हो रहा है लिक्विड। खूब अच्छे से फेंटेंगे क्योंकि बनाने जा रहे हैं कढ़ी। उसके लिए मसाला निकाला है, हल्दी आधी चम्मच, आधी चम्मच धनिया और मिर्ची। फिर छौंका लगाने के लिए, बघारने के लिए करी पत्ता, हींग, जीरा, राई, मगर लहसुन प्याज की बनाएंगे। सिर्फ तड़का अच्छा लगाएंगे और नमक मिर्च अच्छे से डालेंगे। बेसन दही दोनों क्वालिटी वाला होना चाहिए और खट्टा होना चाहिए। इस तरह हम कढ़ी बनाते हैं। तेल मेरा गर्म हो रहा है, अब उसमें तड़का डाल देंगे। हल्दी, मिर्चा, धनिया ये घोल लिया है, इसको भगोने में डालेंगे। मसाले को भून लेंगे। मसाला पक रहा है अच्छे से, अभी भून लेंगे, पानी मर जाए। पच्चीस मिनट या आधा घंटा इसको पकाएंगे अच्छे से, और ये मेरी तैयार हो जाएगी कढ़ी। चौथाई चम्मच काली मिर्च, चौथाई चम्मच जीरा ज़रूर डालेंगे, तभी वो तीखी और अच्छी लगती है। और नमक डाल देंगे, चला देंगे अच्छे से। इस तरह देखिए मेरी गाढ़ी ठीक कढ़ी तैयार हो गई है, पक गई है। आपको रेसिपी कैसी लगी बताएं, पसंद आती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें दोस्त को। अल्लाह हाफिज़।